इस तरह पराठा हमारा बना है और बिल्कुल बीच में ये फूल गया है, ये देखिए। तो आज मैं पराठा में मसाला अलग तरह भरना, परेशानी नहीं आएगा, फटेगा भी नहीं। कई बार पराठा बनाते समय फट जाता, ऐसे में भरने में फटेगा नहीं ये। पहले के समय में ऐसे बनता था मम्मी, बड़ा बड़ा का बताया हुआ इतना बड़ा पराठा बनाई, ये देखिए इतना बढ़िया बना है दोस्तों। हमारे बच्चे बहुत बढ़िया पर खाना बनावा, बहुत अच्छा बना। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जो भैया दीदी हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। तो आज चल रहे हैं, मैं मूली का पराठा बनाती हूँ, आप सबको बना के दिखाएंगे। और आज सासू माँ और मम्मी इन सबके जिस तरह ये सब बनाती थी उसी तरह हम बनाए हैं दोस्तों, जिस तरह बताती गई हैं उसी तरह बनाए हैं। और नमस्ते कर लो सब लोग। नमस्ते नमस्ते सब लड़के बच्चन को, सबके नमस्ते नमस्ते। खुद रहा बच्चा कहाँ रहा था, जिसे सहायता किया रहते हैं वो ना बोलो। हाँ तो सब सहायता की है, तो अम्मा बोल रही हैं आप सब सपोर्ट करना। आज हमारी सासू माँ पहली बार बोली हैं कि सपोर्ट करना, और तो हमको भी अच्छा लगता है दोस्तों, सब लोग एक साथ वीडियो बनाते हैं, अच्छा लगता है पूरे परिवार में। और तो आप सब लास्ट तक जरूर देखना, आप सबको अच्छा लगेगा, है ना अंजलि? कितना कितना पराठा बना है, पराठा बना है। तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं मूली का रेसिपी, और आप सबको बना के दिखाएंगे। तो आप सबको बना के दिखाएंगे, और दोस्तों अब मैं रेसिपी ही बनाकर दिखाऊंगी। इस समय थोड़ा टाइम मिल गया है, तो देखिए खेत की ताजी बिल्कुल मूली है। तो चंदन लेकर आए हैं, तो चलते हैं पहले मूली को अच्छी तरह से इसकी पत्ती निकाल देते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी बड़ी मूली है। तो दोस्तों ये बिल्कुल देसी मूली है, तो चलती हूँ कद्दूकस से काट लेती हूँ। अभी आवाज करेगा कद्दूकस, तो इसीलिए मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ। तो दोस्तों चलती हूँ बनाना शुरू करती हूँ, पहले गैस को जला लेते हैं। और इधर मैं मूली को कद्दूकस करके रख ली हूँ, और यहाँ गुंजन सब बैठी है, और स्वेटर मैं पहनी हूँ, अंजलि तो निकाल दी है, धूप है दोस्तों, लेकिन हमें ठंड लग रहा था तो मैं स्वेटर पहनी हूँ। देखिए लहसुन हमने ले ली हूँ, अब चलती हूँ इसको काट लेती हूँ। तो यहाँ मैं दो मिर्चे ले लेती हूँ, और मिर्चे को खलबट्टे में अच्छी तरह से कूट लेते हैं। तो यहाँ मैं लहसुन को अच्छी तरह से मिर्ची को कूट ली हूँ। और तो यहाँ कढ़ाई में मैं सरसों का तेल डाल दी हूँ दोस्तों, और मैं चश्मा इसलिए लगाई हूँ कि धूप लग रहा है, मैं ताक नहीं पाऊंगी, इसीलिए थोड़ा आंखों में दर्द है। यहाँ डाल देती हूँ थोड़ा सा जीरा, तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है, आप अपने हिसाब से जीरा डाल सकते हैं दोस्तों, या ना डालें, लेकिन मूली की रेसिपी में जीरा अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ मिर्ची और लहसुन का पेस्ट, तो दरदरा कूट ली थी सिलबट्टे की, तो खलबट्टे से कूटी थी मैं, सिलबट्टे बता रही हूँ दोस्तों, भूल गई थी। तो यहाँ तड़का हमारा बिल्कुल भून चुका है, अब डाल देती हूँ मूली को। पहले मूली ही फ्राई करेंगे तेल में, अब इसको अच्छी तरह से कड़छुल के सहारे से चला देते हैं। तो अच्छी तरह से मूली फ्राई हो चुका है, अब डाल देते हैं इसमें नमक और मसाला। मूली के हिसाब से मैं मसाला डाल देती हूँ, और मसाले को अच्छी तरह से चला देती हूँ। अब यहीं पर डाल देते हैं मूली के अनुसार नमक, तो मूली अभी गल जाएगा दोस्तों, तो नमक थोड़ा कम ही डालेंगे। तो नमक और मसाले को अच्छी तरह से मिला देते हैं, और दोस्तों इसमें आप अपने हिसाब से मसाला डाल सकते हैं। तो दोस्तों इसमें मिक्स मसाला मैं डाली हूँ, जैसे गरम मसाला है, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, तो यही सब मिक्स मसाला मैं अच्छी तरह से चला देती हूँ। अब इसको ढककर 4-5 मिनट
के लिए इसको पका लेंगे जब। तो दोस्तों यहाँ मैं आधा किलो मूली ली थी, तो ये करीब 3 पाव आटा है, तो 1 किलो में 250 ग्राम कम होगा आटा। तो मैं आटे को अच्छी तरह से गूंथ लेती हूँ। तो मम्मी यहाँ चला रही हैं, तो पक चुका है, महक आ रहा अच्छे से मम्मी मसाले का। आज मम्मी बनाएंगी, मम्मी के तरीके से मैं बना रही हूँ मूली का रेसिपी, मूली का पराठा। मसाला बनके तैयार हो गया दोस्तों, अब इसको निकाल लेते हैं। मूली का ये मसाला कुछ इस तरह बना हुआ है। तो दोस्तों यहाँ मैं गैस को जला दी हूँ और यहाँ तावा रख ली हूँ। अब चलती हूँ बनाती हूँ। रोटी के आकार बेल लेंगे, ऐसे में आसानी रहेगा बनाने में। दोस्तों मैं ज्यादा बड़ा बेल नहीं पाती हूँ, अंदाजा भी रहेगा कि कितना भरना है। मूली का मसाला अलग तरह भरना आप सबको दिखाऊंगी, और आसान भी रहेगा दोस्तों, इसमें कोई परेशानी नहीं आएगा, फटेगा भी नहीं। कई बार पराठा बनाते समय फट जाता है, तो ये फटेगा भी नहीं। मैं रोटी के आकार में पतला सा ये बेल ली हूँ और इसी पे फैलाते जाएंगे, तो इससे अंदाजा भी रहेगा कि ये मूली का जो है मसाला कहाँ कहाँ तक भरा गया। तो दोस्तों यहाँ किनारे किनारे पानी लगा देती हूँ और एक रोटी और बेल ली हूँ, तो बहुत हल्का आप अपने हिसाब से बेल सकते हैं, तो मैं इसी तरह बेली हूँ। तो चिपकाते जाएंगे, देखिए कुछ इस तरह चिपक रहा है, पानी से बिल्कुल चिपक गया। तो अब इसको बेल लेते हैं। तो पराठे में थोड़ा तेल लगा लेते हैं और बनाते हैं, और मम्मी बताई हैं। तो थोड़ा पराठा बड़ा बनेगा दोस्तों, पहले के समय में ऐसे बनता था मम्मी, बड़ा बड़ा। हाँ, तो मम्मी बोली लाओ मैं बेल देती हूँ, तो हम नहीं बेलने दिए क्योंकि आप सब बोलोगे कि परेशान करती हो मम्मी को, तो यहाँ मैं बेल रही हूँ। तो दोस्तों मम्मी का बताया हुआ इतना बड़ा पराठा बनाई, ये देखिए इतना बड़ा। तो अभी चलती हूँ तावे पे रख देते हैं। तो यहाँ मैं तावे में डाल देती हूँ रिफाइन का तेल, बड़े दिन के बाद तावा में तेल पड़ा है, यहाँ बनाने जा रही हूँ। पराठा हमारा पक रहा है तावा में, तो दूसरा पराठा मैं बेल लेती हूँ। तो दोस्तों यहाँ मैं पराठे को पलट दी हूँ, ये देखिए एक बार फिर से मैं पलट दी, ये देखिए दोस्तों पराठा हमारा कुछ इस तरह बन रहा है, बिल्कुल फूल गया है। अब इसको रख देते हैं थाली में। दोस्तों यहाँ मैं दूसरा पराठा बेल रही हूँ, हाँ मैं दूसरी रोटी को चिपका देती हूँ थोड़ा सा और बेल लेते हैं इसको अच्छी तरह से बराबर करके। तो दोस्तों यहाँ मैं डाल देती हूँ, तो यहाँ दोस्तों पराठा को पलट देते हैं। दोस्तों हल्का हल्का पराठा हमारा फूल रहा है अच्छी तरह से, दूसरा भी, तो इसको मैं पलट देती हूँ। और देखिए कितना अच्छे से इसमें कलर आया है, फूल गया है, ये देखिए। तो पराठा हमारा बनके दो तैयार हो गया है, अब इसको निकाल देते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह इधर कलर और यहाँ निकाल देते हैं। तो दोस्तों इसी तरह सभी पराठा को बना लेते हैं, फिर आप सबको दिखाते हैं। और इधर मम्मी हमारा हाथ बटा रही हैं, और मैं अब भरूंगी और बनाऊंगी ताकि जल्दी हो जाए। तो अंजलि आज पराठा खाना नहीं खाना है, गुंजन को खाना है कि नहीं खाना है, सीधा खाना है। तो सब आज बड़े दिन के बाद मिलेगा खाने को, तो सब लोग इंतजार में लगे हुए हैं कि कब मिल जाए खाने को, है ना अंजलि? खाऊंगी हाँ, तो अंजलि की खाऊंगी। तो दोस्तों यहाँ हमारा पूरा पराठा बनके तैयार हो गया है, तो अभी मैं दिखाती हूँ। और अंजलि तो खाने को बीच बीच में मांग रही थी, क्या कर रही हो अंजलि? हाँ खेल रही है,
तो दोस्तों मैं आप सबको पराठा दिखाती हूँ बीज से किस तरह, ये देखिए पूरा, और ये फूल भी जाता है बीज में, देखिए कितना अच्छे से ये भरा है, बराबर कहीं ना कम है ना कहीं ज़्यादा, और खाने में भी अच्छा लगता है। तो आज हमारा मूली का पराठा आप सबको कैसा लगा? तो यहाँ सब लोग बात भी करने में लगी हैं और सब लोग खाने भी जा रहे हैं। तो यहाँ दोनों अम्मा खाने जा रही हैं। तो अम्मा आज अच्छा बना था पराठा? हाँ बहुत बढ़िया, ऐसा बहनी दीदी सब बनाया बच्चे, बहुत स्वाद है। तो बहुत अच्छा बना है, दोनों अम्मा बता रही हैं। और रखें बहुत बढ़िया बना है दोस्तों, हमारे बच्चे बहुत बढ़िया खाना बनावे, बहुत अच्छा बना है। तो सासू माँ तारीफ कर रही है कि खाना अच्छा बनाते हैं, और आज मूली का पराठा सबको बहुत अच्छा लगा, खा रहे हैं पीछे सबसे। सभी दीदी भैया को राम राम, हम पराठा खाने जा रहे हैं, आप सब भैया खा लीजिए। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पकौड़ी बनके तैयार हो गया है, तो ये अभी अभी चंदन के पापा बनाए हैं, और बहुत अच्छा एक सेब में पूरा पकौड़ी है देखिए। तो ये चार प्रकार मिक्स करके बनाए हैं अपने चैनल के लिए, ये देखिए, और बहुत अच्छा बना हुआ है, बिल्कुल कुरकुरा और खस्ता, ये देखिए। तो दोस्तों वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ करना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।